नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटपैड के मेन्यू बार में एडिट वाले ऑप्शन के सारे सब ऑप्शंस के बारे में। इसके पहले की दो वीडियो में हमने आपको बताया था कि नोटपैड की बेसिक स्क्रीन में क्या क्या चीजों को क्या क्या कहते हैं, यानी कि जब आप एक नोटपैड या टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं तो उसकी जो बेसिक पार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं। दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि फाइल के जो ये ऑप्शंस हैं जैसे न्यू, ओपन, प्रिंट जैसे सारे ऑप्शंस के बारे में हमने जाना। अब ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज का जिसपे हम लोग एडिट वाले ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है अंडू यानी कंट्रोल जेड का। इस ऑप्शन के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो भी काम हमने लास्ट किया है अगर हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल जेड यानी अंडू कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो वर्ड डाला हुआ है और एक और बार मैं यहाँ पे इस वीडियो वर्ड को कैपिटल में वीडियोस को टाइप कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये मुझसे गलती से हो गया है, मैं इसे वापस हटाना चाहता हूँ, जो पिछला वाला जो था वहीं तक रहना चाहता है, तो मैं कंट्रोल जेड यहाँ पे कर सकता हूँ। तो देखिए, जो मैंने लास्ट में जो कॉमा और वो कैपिटल में वीडियोस टाइप किया था वो कंट्रोल जेड की मदद से मैंने उसको हटा दिया है। इसी तरह अगर मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ तो इसके पहले जो भी चीजें मैंने लिखी होंगी वो सब हटते जाएंगी। जैसे देखिए, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो वीडियोज जो पहले मैंने टाइप किए थे वो यहाँ से हटते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कट का। तो कट यानी कि किसी एक जगह से कोई भी वर्ड या सेंटेंस को आप सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं, यानी वहां से काट कर दूसरी जगह पर पेस्ट करना यानी चिपका सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस वर्ड को जो टेक्नोलॉजी लिखा है मैंने यहाँ से इसे कट करना है, तो यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स कीबोर्ड पे प्रेस कर लिया, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता था। तो मैंने, अब देखिए जैसे मैंने कट किया ये पेस्ट वाला बटन हाईलाइट हो रहा है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल बी। तो जैसे मुझे टेक्नोलॉजी वर्ड यहाँ पे से लिया था, मैं यहीं पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पेस्ट किया आ गया। मैं और भी नीचे कंट्रोल वी प्रेस करते जा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ से भी एडिट में जाके पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। तो जहां जहां मैंने पेस्ट किया वहां वहां वो टेक्नोलॉजी वर्ड आ गया है। तो इसी तरह से जैसे भी आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके कट करेंगे और पेस्ट करेंगे, कट करने पे वो वहां से हटके जहां पे आप पेस्ट करेंगे वहां पर आ जाता है। अगला ऑप्शन है कॉपी का। तो कॉपी में क्या होगा कि जब हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तीन वर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी का शॉर्टकट है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी किया जैसे ही मैंने, अब ये कॉपी हो गया। अब जहां पर भी मैं जाके इसको पेस्ट करूंगा, पेस्ट करने का शॉर्टकट वही है कंट्रोल वी। तो आप जहां पर भी जाके पेस्ट करें जाइए, देखिए जैसे ये कंट्रोल वी का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी पेस्ट करूँ, तो आप चाहे कट करें या आप कॉपी करें, पेस्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल वी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इसके आगे मैं कंट्रोल वी करते जा रहा हूँ। तो जिस तरह से मैं जहां पर भी माउस को रख के कंट्रोल वी करते जा रहा हूँ वहां पे ये पेस्ट होते जा रहा है। मैं सबको हटा लेता हूँ। हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन का यूज कर लेंगे। डिलीट ऑप्शन यानी ये जो यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है पेस्ट के नीचे, तो ये तो मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से डिलीट बटन का यूज कर सकता हूँ। ये डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, तो जो भी मैंने सिलेक्ट किया था और डिलीट बटन दबाया तो वो डिलीट हो गया है। इसके बाद मेरा जो अगला ऑप्शन है वो है फाइंड का। फाइंड यानी ढूंढना। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एफ यूज कर सकता हूँ या फिर फाइंड पर क्लिक कर सकता हूँ। तो ये मैंने फाइंड किया तो वैसे एक छोटा सा विंडो जैसा ओपन हो गया है जिसमें मैं ढूंढ सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को। तो जैसे मान लीजिए मुझे टेक्नोलॉजी ये शब्द ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ TECHNOLOGY, और यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ ढूंढ लेता हूँ। तो ये देखिए नीचे की तरफ जहां पर भी टेक्नोलॉजी लिखा हुआ उस पर ये लेके जा रहा है। अभी मेरा कर्सर ऊपर है, अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ढूंढू तो एकदम लास्ट में नीचे लेकर आ गया, क्योंकि ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसी तरह मैं वापस और भी ऊपर आ सकता हूँ। तो ऊपर नीचे जाने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पर आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ से क्लोज का बटन दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन के बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये रैप अराउंड वर्ड जो है इस पर अगर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे भी हम लोग ने जो वर्ड, मैं आपको इसके आगे वाले वीडियो में बताता हूँ, तो रैप अराउंड किया तो ये टेक्नोलॉजी वर्ड को मैं ढूंढ नहीं सकता, कैन नॉट फाइंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ से देखिए कोई भी, मैं ऊपर के लिए जा रहा हूँ नहीं मिल रहा है, अब नीचे के लिए जाता हूँ तो ये मिलने लगेगा मुझे, फिर इसके नीचे नहीं मिल रहा है क्योंकि वर्ड रैप यहाँ से हट चुका है। अब मैं रैप अराउंड पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए मैं ऊपर नीचे किसी भी तरह से जा पा रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये एकदम ऊपर आ गया, अब मैं इसके ऊपर कुछ ढूंढने जाऊँ तो वो नीचे ना आए, मतलब ऊपर की तरफ ये बताए कि नहीं है, तो मैं यहाँ से ये रैप अराउंड को हटा देता हूँ। अब देखिए मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ तो वो और टेक्नोलॉजी वर्ड को ढूंढ नहीं पा रहा है। तो इस तरह से आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि कहाँ तक ढूंढा जाए और कहाँ पे नहीं। इसमें ही ये ऑप्शन है मैच केस का। अब मैच केस में अभी तक हमने देखा कि जहां पर भी हमने टेक्नोलॉजी इस कैपिटल में लिखा हुआ है, तो कैपिटल में लिखने के बाद भी जब मैंने ढूंढा, कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में लिखने के बाद भी जब ढूंढा तो ये इसको भी बता रहा था कि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। पर अब जब हम लोग मैच केस को टिक कर लेंगे, मैच केस क्या होता है कि एक तरह से आपने जिस तरह से ये फाइंड वाले ऑप्शन में टाइप किया है
उसी तरह से अगर कहीं पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, जो आपका ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें ये कहीं लिखा होगा उसी तरह से, तो वो उसको ढूंढ पाएगा, अन्यथा नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये मैच केस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए टेक्नोलॉजी यहाँ पे सर्च करेगा, तो ये ऊपर की तरफ नहीं मिल रहा है, नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ डायरेक्ट वो यहाँ पर लेकर आ गया, ये वाले वर्ड को और ये वाले वर्ड को उसने नहीं लिया है, क्योंकि वो मैच केस का ऑप्शन हमने ऑन रखा है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब ढूंढ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से नीचे ऊपर हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ। ये देखिए इस बार ये टेक्नोलॉजी ये वाले को भी ले रहा है। तो ये था मैच केस का यूज। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और एडिट में ही अगला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट का। तो फाइंड नेक्स्ट यानी कि जो भी हमने ढूंढा था उसी को आगे वापस ढूंढने के लिए, अब कंट्रोल एफ करके मुझे वापस टेक्नोलॉजी टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वही वर्ड फिर से ढूंढना है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आ गया, या फिर मैं कीबोर्ड से F3 भी प्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पे ढूंढने में दिखते जाएंगे। अब देखिए कंट्रोल एफ करने पे वो छोटा विंडो जो ओपन होता है वो विंडो अब ओपन नहीं है, क्योंकि हमने फाइंड नेक्स्ट का यूज किया है। इस तरह से हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन किया, उसके अगला ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस, जिसका शॉर्टकट है Shift F3। तो जो आप जैसे फाइंड नेक्स्ट कर रहे थे आगे आगे बढ़ते जा रहा था, वैसे अगर पीछे की तरफ आना है तो फाइंड प्रीवियस वाले को क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फाइंड प्रीवियस पे पीछे पीछे जाते जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद का ऑप्शन देखते हैं, जो कि है रिप्लेस का कंट्रोल एच। रिप्लेस यानी बदलना, किसी भी शब्द को, लिखे हुए शब्द को हम बदल सकते हैं। तो मैं कंट्रोल एच प्रेस कर देता हूँ यहाँ से शॉर्टकट। आप देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो फाइंड वाला ऑप्शन जैसे ही दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने पर ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। तो मान लीजिए जैसे ये टेक्नोलॉजी वर्ड जो लिखा हुआ है, इसको मुझे किसी और शब्द से या इसके स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस करना है, तो मैं उसको भी कर सकता हूँ सिर्फ इस रिप्लेस वर्ड की मदद से, रिप्लेस का जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के जहाँ पे मान लीजिए मुझे सिर्फ टेक लिखना है, कैपिटल में मैंने टेक लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करता हूँ वो सिर्फ एक एक करके सबको करते जाएगा, अगर रिप्लेस ऑल करूंगा तो एक ही बार में सबको बदल देगा, तो मैं रिप्लेस ऑल कर लेता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट में जहां पर भी देखिए टेक्नोलॉजी पूरा लिखा हुआ था, उस जगह पे उसने सिर्फ टैग कर दिया कैपिटल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा था। इसी तरह से अगर मुझे ये टेक्नोलॉजी फिर से लाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में पूरा टेक्नोलॉजी वर्ड भी टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो जहां पे भी टेक्नोलॉजी वर्ड हो, टेक वर्ड होगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी वर्ड है नहीं हमारे पास, टेक को कर लेते हैं रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए जहां पर भी टेक लिखा हुआ था सब जगह पे अभी टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ गया है। तो ये था हमारा रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस जो भी आप फाइंड करके किसी दूसरे शब्द से बदलना चाहते हो तो आप उसको रिप्लेस के ऑप्शन से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारे पास गो टू। अब ये गो टू में आपके पास किसी भी पर्टिकुलर लाइन नंबर पर सीधे जाने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, देखिए लाइन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, और जो भी लाइन नंबर पर आप जाना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं 8 नंबर लाइन पर जाना चाहता हूँ, मैं गो टू पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए कर्सर मेरा 8वें नंबर लाइन पर आ गया। इस तरह से कंट्रोल जी करता हूँ, फिर से मैं फर्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ, तो ये देखिए फर्स्ट लाइन पर आ गया है। तो इसी तरह से आप कंट्रोल जी का उपयोग करके जिस भी लाइन पर आप जाना चाहते हैं आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये था गो टू का ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। तो जैसे अगर मुझे किसी एक वर्ड को या सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी वर्ड पर डबल क्लिक किया सिलेक्ट हो गया। किसी एक सेंटेंस को करना है तो ऐसे माउस से ट्रैक करके कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सारा का सारा एक साथ में सिलेक्ट करना है, तो या तो मैं एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल कर लूँ, या फिर इसका शॉर्टकट कंट्रोल ए कर लेता हूँ। तो मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया है, तो सारा का सारा जितना भी चीजें हमने लिखी थी सारी की सारी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास टाइम एंड डेट का, तो उसका शॉर्टकट है F5। तो मान लीजिए जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट अभी तैयार किया है, मैं यहाँ पे इसका डेट एंड टाइम चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से डेट एंड टाइम का ऑप्शन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे टाइम और डेट आ गया, मैं जितनी बार भी इस पर क्लिक करते जाऊंगा उतनी बार ये आगे आगे डेट एंड टाइम देते जाएगा, यहाँ से इस पे नीचे लेकर आ गया, ये देखिए इस तरह से। लास्ट ऑप्शन है फॉन्ट का। तो जब भी हम फॉन्ट बदलना चाहते हैं, अब नोटपैड में ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फॉन्ट को लेते हैं तो वो जितना भी आपने लिखा है वो सारे फॉन्ट में वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। आप इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हेडिंग के लिए मुझे अलग फॉन्ट चाहिए तो वो अलग ले लूँ और बाकी दूसरे के लिए अलग, आप जब भी फॉन्ट को चेंज करेंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ से बदल जाएंगे। यहाँ से मैं फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ, एक नए सेटिंग पर लेकर आ गया है, ये इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो मान लीजिए जैसे मेरे को फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेना, तो ये मैंने 18 कर लिया, यहाँ से बैक कर लेता हूँ, आप देखिए फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है।
वापस से इस पर आते हैं फॉन्ट पर, और इसको मैं 22 कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। इसमें जो भी स्टाइल है, रेगुलर स्टाइल है, जो भी टेक्स्ट आप ले रहे हैं, तो वो टेक्स्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। किसी भी तरह का टेक्स्ट लेकर आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से एडिट में जाता हूँ, फिर से फॉन्ट में आ जाता हूँ। फॉन्ट में आके यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जो भी आपको चाहिए वो वाले फॉन्ट आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से संस्कृत वाला जैसे मैंने लेके रखा था, तो मैं संस्कृत टेक्स्ट को लेकर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से बैक करने पर वो चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो ये था एडिट वाला ऑप्शन, जिसमें अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम डेट एंड फॉन्ट जैसे ऑप्शंस को हमने यूज किया है। अगले वीडियो में मैं आपको व्यू के बारे में और सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करेंगे, और इसमें दी गई जानकारी जो भी हमने दी है आपको, आप उसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।